Hi everyone, welcome back to my channel HD Jacob of All Trades. I am showing you a little part of architectures of Mathura. As you can see, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का तो फर्श पे इस्तेमाल हुआ था और गुम्बद बने हुए थे, यानी ये मुगल आर्किटेक्चर था। This handsome guy is trying to find the same कंगन for both of my hands. और इनको भी यहाँ पे एक ही कंगन मिला था और ये मैच कर रहे हैं, दूसरा सेम टू सेम साइज में भी और डिजाइन में भी। पूरी चकाचौंध मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे ज्यादातर दुकानों पे फिक्स प्राइस होता है। मार्केट लेकिन काफी अच्छी है। दिस मार्केट इज इन बिटवीन बाकी बिहारी और निधिवन। निधिवन को टर्न करने से पहले ये एक टेढ़े पिलर का मंदिर पड़ता है। कोई ये बेवकूफ बनाते लोगों का कि टेढ़े पिलर का मंदिर है, देखो टेढ़ा है पिलर फिर भी खड़ा है। ओ भाई, इसको बेस तो मिल गया ना खड़ा होने के लिए, टेढ़ा होने से क्या है। हाँ लेकिन डिजाइन खूबसूरत है, मंदिर भी बहुत सुंदर है, सारे में पत्थर लगा दिया तो और भी सुंदर हो गया है। अंदर भी ये जो इंटीरियर डिजाइन है ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एक कृष्णा जी की और राधा जी की मूर्ति लगी हुई है सामने, जहाँ पंडित जी खड़े हुए हैं, तो ये भी अच्छा था। लेकिन जो ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे ये बहुत बेकार बात लगती है हमारे रिलीजन में। और मथुरा में लोग इतना झूठ बोलते हैं, मथुरा और वृंदावन में, कि मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती इनकी बातें। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब शायद मैं 12 साल की रही होंगी, तब से मैं यहाँ हर 2 साल में 3 साल में आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और ये जो निधिवन है ये तब कवर नहीं था, जब मैं पहली बार आई थी तब बहुत सुंदर लगता था, अब तो कवर कर दिया है, लेकिन चलो अभी ठीक ही है। और यहाँ डांस करती थी राधा कृष्णा, जो ये फर्श बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको दिखाएंगे राधा दामोदर मंदिर। किसी भी धार्मिक जगह पर असुविधा होने के बाद भी लौटते हुए मेरा मन दुखी हो जाता है, तो यहाँ से फिर हम लंच करके घर चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।